हे फ्रेंड्स, राजेश हियर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है Mi 11X और फाइनली जो है Mi 11X इंडियन यूजर्स के लिए जो है एक नया अपडेट जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि है 13.0.7.0 जून के सिक्योरिटी पैच के साथ आपको देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को मिले हैं और कब तक ये अपडेट जो है आपको अपने फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑल स्पेक्स पेज जो है दिखाना चाहूंगा। आप जैसा कि जानते हैं एंड्रॉइड वर्जन 12 के ऊपर ये बेस्ड है। सिक्योरिटी पैच जो है आपको 1st of June 2022 का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और जो MIUI वर्जन है वो अब 13.0.7.0 का हो चुका है। ये इस टाइम पे कुछ ही लोगों को देखने को मिला है, ये फुल्ली जो है रोल आउट नहीं किया गया है। तो मे बी आपको विद इन ए वीक जो है ये अपडेट जो है आपको अपने Mi 11X फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो ये चीज़ मैंने नोटिस की है, जो कर्नल वर्जन है वो आई थिंक जो है यहाँ पे अपग्रेड हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 4.19.1.57 जो है यहाँ पे कर्नल वर्जन है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप जो है प्रीवियस कर्नल वर्जन कौन सा था। तो एक चेंज मुझे यहाँ पे ये देखने को मिला है। अगर कुछ और चेंजेस की बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ, फीचर्स वाइज तो ज़्यादा फीचर्स तो ऐड नहीं किए गए हैं। फोन की परफॉर्मेंस को जरूर यहाँ पर स्टेबल किया गया। हाँ, कंट्रोल सेंटर जो है अब फाइलिंग जो है आपको नया यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे अब आपको यहाँ पे MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर यहाँ पे दिया गया है। अभी भी यहाँ पे जो है मीडिया प्लेयर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिसिंग है। बट मैं अगर आपको दिखाऊं सेटिंग्स पैनल में चल के, तो सेटिंग्स पैनल में अगर हम जाते हैं और कंट्रोल सेंटर के ऑप्शन में जाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इसका UI जो है अब यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। UI में जो डेमो है उसमें अब आपको MIUI 13 का ही कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे एडिशनल कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें मी स्मार्ट प्ले यानी कि जो आपका मीडिया प्लेयर था वो आपको वहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन तो देखने को मिलता है, बट ये इस टाइम पे वर्किंग नहीं है। आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे मी स्मार्ट प्ले का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। स्मार्ट होम का ऑप्शन जो है ज़रूर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक नया चेंज आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा कि कंट्रोल सेंटर जो है उसको अपडेट कर दिया गया। एनिमेशंस एज इट इज़ वैसे ही हैं, कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर अपग्रेड की गई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप सोच रहे हैं हम कौन सा आइकन पैक यूज़ करें तो मैं आपको बता देता हूँ, हम सिंपल UI का जो है आइकन पैक अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करें। उसी तरीके से थीम स्टोर भी जो है अब आपका अपडेट हो जाता है। जब अपडेट आपको ये देखने को मिलेगा, उस टाइम तो थीम स्टोर जो है आपका ओल्ड ही वर्जन रहता है, बट आप सेटिंग्स में अगर जाते हैं सिस्टम अपडेटर में, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स के अपडेट देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू जो है आपका थीम स्टोर जो है अब यहाँ पे अपडेट हो जाता है और आपको एक नए UI के साथ जो है अब यहाँ पे आपको यहाँ पे थीम स्टोर यहाँ पे देखने को मिलता है। कैमरा एज इट इज़ वैसा ही है, कैमरे में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। हाँ, UI में कुछ आपको गैलरी के ज़रूर यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर जैसे कि आप देखें किसी भी आप गैलरी की इमेज पर जाते हैं, उसके एडिट पर जाते हैं, तो आपको नीचे बेसिक एंड AI के जो है नए अब टैब्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो एक ये नया चेंज आपको देखने को मिला है। अगर कुछ और चीज़ों की मैं आपको बात बताऊं तो अगर हम सिक्योरिटी ऐप में जाएं तो सिक्योरिटी ऐप के अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ नए अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। जो गेट ऐप्स की जो एप्लीकेशन है तो यह उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो गेम टर्बो ऐप है उसको भी अब अपडेट कर दिया गया है। अब आपको एक नए यहाँ पे UI के साथ जो है गेम स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का नया UI जो है अब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, जिसमें आप गेम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड के बटन्स पे जाइए और गेम्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। कुछ इस तरीके का लुक अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको कुछ यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप यहाँ से यूज करते हैं और डायरेक्टली गेम को आप यहीं से ही लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हमने स्टार्ट प्लेइंग किया और गेम जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो UI में चेंजेस किए गए हैं, आपको नया UI देखने को मिला है, जिसमें आप बूस्ट मोड को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे आपको उसके अंदर DND मोड, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्ड्स, सेटिंग, कलर सेचुरेशन वगैरह, टर्न ऑफ स्क्रीन, कास्ट, वाईफाई और ब्राइटनेस का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ब्राइटनेस को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको वॉइस चेंजर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो UI जो है आपके गेम टर्बो को यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट कर दिया गया है। ये भी एक मेजर चेंज जो है आपको गेम बूस्टर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला चेंज जो आपको देखने को मिलता है वो है गेट ऐप्स के अंदर। गेट ऐप्स का जो UI है यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेंज जरूर देखने को मिलेगा। एक नए तरीके UI के साथ जो है अब आपको गेट ऐप्स जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको सभी के सभी जो आपके सिस्टम एप्लीकेशन होंगे उनके अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिनको यहाँ से आप अपडेट ऑल कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको कंट्रोल सेंटर जो है ज़रूर यहाँ पे नया दिया गया है, गेम बूस्टर यहाँ पे नया दिया है। बाकी सेटिंग्स में जाएं आपको सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही देखने को मिलती है। बट लॉन्चर के अंदर जो है आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो आपको डू नॉट शो टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो जितने भी आपके ऐप आइकन्स होते हैं उनमें जो टेक्स्ट लेबल्स होते हैं
वो सारे के सारे हाइड हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है अब आपको यहाँ पे लॉन्चर में प्रोवाइड कर दिया है, तो यानी कि लॉन्चर भी आपको यहाँ पे अपडेटेड यहाँ पे इस टाइम पे इस नई अपडेट के साथ प्रोवाइड किया गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, विजेस का सपोर्ट जो है अभी भी आपको ऑफिशियली जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, आपको वही एंड्रॉइड 12 के क्लासिक विजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट आप इसके अंदर विजेस को यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको चेकआउट करके आप अपने फोन के अंदर इन विजेट्स को यूज कर सकते हैं। बट ऐप वॉल्ट में आपको विजेट्स का सपोर्ट यहाँ पे जरूर देखने को मिला है। जैसे कि आप जाएं प्लस के बटन पे आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे विजेट्स का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट ये विजेट्स जो है नॉर्मली जो है आपके ऐप वॉल्ट में ही जो है इंस्टॉल होंगे, आप इनको अपने होम स्क्रीन के ऊपर सेटअप नहीं कर सकते। सपोज कीजिए ऐड टू ऐप वॉल्ट करते हैं, अगर आप इन विजेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पर रखना भी चाहें तो ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हम होम स्क्रीन के ऊपर, तो आप इनको अपने होम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले पाते हैं। तो अभी भी जो है विजेट्स का सपोर्ट जो है आपको होम स्क्रीन में यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, सिर्फ आप ऐप वॉल्ट में ही इसको यूज कर सकते हैं। तो चलते चलते मैं आपको कुछ और चीज़ें जरूर बता देता हूँ कि अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप MIUI 13 वर्जन पर जाइए, 13 के लोगो के ऊपर टैप कीजिए कुछ इस तरीके से, उसके बाद आप मेनू पर जाएंगे, चूज अपडेट पैकेज के थ्रू उस फाइल को सिलेक्ट करके आप अपडेट को ट्राई कर सकते हैं, मे बी आपके लिए वर्क कर जाए, बट जहां तक मैं जानता हूं ये अपडेट जो है अभी फुल्ली रोल आउट नहीं हुआ है, तो आप मे बी इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस टाइम के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि एक नया अपडेट जो है Mi 11X इंडियन यूजर्स को जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है इस टाइम के ऊपर, जो कि इस टाइम पे काफ़ी ठीक तरीके से काम कर रहा है। बट आने वाले टाइम पे मैं आपको उसका फुल रिव्यू दे दूंगा किस तरीके से ये काम कर रहा है और क्या इसकी परफॉर्मेंस आपको आगे चल के यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें आपको वही मिलती हैं, 60Hz 120Hz का UI अभी आपको पुराना ही देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं पोको F4 के अंदर जो है नए UI के साथ जो है अभी आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया गया है, तो वो चीज़ें अभी जो है इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं। हाँ, विजेट्स का सपोर्ट अभी भी आपको देखने को नहीं मिला है। कंट्रोल सेंटर जरूर अपडेट कर दिया गया है, सिक्योरिटी ऐप को अपडेट किया गया है जिसके थ्रू आपको गेम टर्बो नया देखने को मिला है, गैलरी ऐप को अपडेट किया गया है, नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिला है, बट उसके अंदर मीडिया प्लेयर का ऑप्शन अभी भी मिसिंग है। हाँ, जून का सिक्योरिटी पैच आपको जरूर मिला है और कर्नल जो है अपडेट कर दिया गया है। तो बस आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि एक नया अपडेट जो है जल्द ही आपको Mi 11X में आपको देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट आप लोगों में से काफी लोगों को ये अपडेट मिल ही चुका, अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको और नए फीचर्स आपको अपने फोन में क्या क्या देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।